नमस्कार स्टूडेंट, मैं जितेंद्र पाल, आप सबों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सब लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। तो आप लोगों का आज ये तीसरा लेक्चर होगा जो 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथ के क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। और उन दोनों वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखना, बहुत मस्त क्वेश्चन है। आपके यूपीपी पुलिस एग्जाम में बिल्कुल डिक्टो क्वेश्चन आने की संभावना होगी। और एक वीडियो जो हमने इससे पहले बनाया था उसमें क्वेश्चन सॉल्यूशन गलत हो गया, सॉल्यूशन का मतलब उसकी कैलकुलेशन गलत हो गई, तो उसका आंसर नीचे हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, कृपया उसको देख लें और उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं आपसे। और आज हम सीरीज का ये थर्ड लेक्चर होगा और थर्ड लेक्चर तो बड़े मस्त तरीके से देखना। और चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आज का क्या है। क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और साथ ही वजन 20% कम तौलता है, तो कुल लाभ क्या होगा। तो देखो भैया, अब क्या है, बेईमान दुकानदार कोई भी व्यक्ति है तो इसका मतलब जब वो लाभ लेगा तो वो रुपयों में लाभ होगा। और इधर देखो, यहां पर ये कह रहा है कि हमने मान लिया कि 1000 ग्राम जो वस्तु है उसकी कीमत कितने रुपया है, 1000 रुपया। अगर वो वस्तु को 20% लाभ पर बेच 10% लाभ पर बेचता है, इसका मतलब वो 1000 ग्राम वस्तु कितने रुपए में बेचता है, 1100 रुपए। 10% का लाभ, 1000 का 10% 100 रुपया हो गया, तो अब वो 1100 रुपए में बेचने का दावा करता है। परंतु वह 20% वजन भी कम तौलता है, 20% वजन कम तौलता है, इसका मतलब वजन वो तौल रहा है 800 ग्राम। अब ये बताओ, हमने क्या कहा था, 1 ग्राम वस्तु की कीमत 1000 रुपए है, तो 800 ग्राम वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, 800 रुपए। 800 रुपए तो वो अपने तीर से जो वस्तु देता है उसकी कीमत 800 रुपए, लेकिन आपसे जो वस्तु लेता है, आपसे जो रुपया लेता है, इस वस्तु के बदले वो रुपया लेता है 1100। तो इसका मतलब उसे कितना फायदा हुआ, 800 की चीज 1100 में उसकी बिची, तो 300 रुपए का फायदा हुआ। और कितने पर, 800 × 100, तो इसका कैलकुलेशन करते हैं भैया, तो ये आ जाएगा 37.5%, 37.5%। तो उसे कितने परसेंट का फायदा हुआ, 37.5%। चलिए ये क्वेश्चन फर्स्ट था, आज का क्वेश्चन सेकंड देखिए, मस्त क्वेश्चन की सीरीज है और थोड़ी स्पीड बना के रखें। तो दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये लिखा है कि 2 √3 / 2 − √3 + 2 − √3 / 2 + √3 √3 − 1 / √3 + 1, इसको सॉल्व करो। तो देखो ये दोनों, पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रम लिखे गए, इनवर्स। इनवर्स का मतलब ये प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, माइनस संख्या बराबर है। तो हम इन दोनों को अगर सॉल्व करें तो ऐसे ही आ जाएगा 2 − √3 और 2 + √3 आ जाएगा भैया। अच्छा सर, इधर क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 + √3 का होल स्क्वायर, और प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 − √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इसका हम क्या कर देंगे, परमीकरण। परमीकरण का मतलब √3 + 1 है, उधर √3 − 1 है, अब हम हर का परमीकरण करेंगे तो √3 − 1 और ये आ जाएगा √3 − 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप लोग जानते हो, नहीं जानते तो जान लो, जब भी लिखा है a + b² + a − b² हमेशा जो वैल्यू आएगी 2a² + b² हो जाएगा। और जब भी यहां पर माइनस लगा होगा, यानी ये लिखा है a + b² और भाई माइनस के a − b² तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 4ab। शॉर्ट टेक्स आप मैथ में लर्न रखेंगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये ऊपर आ जाएगा 2 × 2² और +√3² और नीचे वर्गांतर लिखा, वर्गांतर का मतलब a² − b², तो 2² हो जाएगा और ये √3² हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे करोगे, ये भी वर्गांतर लिखा है तो √3³ - 1 और ऊपर ये आपका होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर यानी रूट तीन का वर्ग तीन प्लस बी स्क्वायर वन माइनस के टू ए बी टू रूट थ्री। इसको सॉल्व करोगे चार तीन सात, सात दूनी चौदह और चौदह बटे कितना आ जाएगा एक प्लस, इसको हल करेंगे तीन एक चार, चार माइनस टू रूट थ्री हो जाएगा और तीन में से एक गया दो, दो का भाग देंगे चार में, देखो ऐसे कर देंगे ये आ जाएगा चार बटे दो और माइनस के टू रूट थ्री अपॉन टू, तो चार से दो आ जाएगा, दो से दो कट जाएगा, ये आ जाएगा दो माइनस रूट थ्री और चौदह दो कितना हो गया सोलह माइनस रूट थ्री, क्या आंसर आ जाएगा सिक्सटीन माइनस रूट थ्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। लग रहा होगा आपको बहुत कठिन सवाल है, हम तो ऐसे बहुत जल्दी कर, आप भी कर लोगे, बस क्या है ये देखो जब आप दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आराम समझ में आएगा कि यहाँ पर इतना ही बचेगा ये वाली संख्या, ठीक ये बचेगी और अपॉन में वन बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो भैया रूट तीन माइनस वन का होल स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ही आता है क्या टू माइनस रूट थ्री, बस इनको जोड़ दो आंसर आ जाएगा। तो आप स्क्रीन में करेंगे तो जल्दी से लगा लेंगे और ये सीरीज दिखावे की सीरीज नहीं है, बहुत मस्त क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस एसएससी जीडी में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको जरूर से देखा करो और वीडियो को पूरा देखा करो। शुरुआत में थोड़े सरल क्वेश्चन होते हैं फिर क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाता है, अगर आप नहीं देखेंगे तो छूट जाएंगे, आप पीछे हो जाएंगे, तो कृपया करके पूरा वीडियो देखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री और यहाँ पर हम आपको केवल सोल्यूशन कितनी स्पीड में करना है ये बताएंगे। ये कह रहा है 100 संख्याओं का औसत 44 है, क्या कहा कि 100 संख्याओं का जो एवरेज है वो आपका कितना दिया गया है 44 और 100 संख्याओं तथा चार अन्य संख्याओं का औसत कितना है 100 और प्लस चार अन्य संख्याओं का जो एवरेज है वो आपको कितना दिया गया है 50 है। तो ये चार नई संख्याओं का औसत बताओ, देखो 100 तो ये पुरानी है इसका मतलब इनका औसत कितना है 44 और पूरे का औसत कितना है 50, इसका मतलब यहां पर 50 होना चाहिए लेकिन यहां है कितना 44, कितना यहां कम है 6, तो 6 इसके पास कम है, अब तराजू में बराबर करने के लिए यहां बढ़ाना पड़ेगा 6 बढ़ाना पड़ेगा, कितनी संख्याओं पे 6 बढ़ाना पड़ेगा 100, लेकिन ये जो 600 आया है वो कितनी संख्याओं में बांटना है चार संख्याओं में और इतना ज्यादा होगा, किससे ज्यादा होगा इस 50 से ज्यादा होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। तो चार 25 25 छक्का 150, 150 और 50 कितना आ जाएगा 200, 200 आ जाएगा यानी आंसर ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सर 200 यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बहुत मस्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है 40 + 32 का 3/4 और लिखा है 37 + 34 - 6 का 3/4 का मतलब ऑफ, इसे सरल करना तो बड़े आराम से देखो का पहले हम क्या करेंगे, आप जानते हैं BODMAS खूब पढ़ा होगा आप लोगों ने बोर्ड मास, तो पहले ब्रैकेट फिर ओ मतलब ऑफ, हिंदी में इसका मतलब होता है का, लेकिन चिन्ह कौन सा होता है मल्टीप्लर, तो इसका मतलब है पहले मल्टीप्लाई नहीं, पहले जो का लिखा है उसको का को सॉल्व करेंगे, का का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो देखो 4 × 8 कितना हो जाएगा 32 और 8 × 3 = 24 40 और 24 जोड़ेंगे ऊपर तो आ जाएगा आपका 64, ऐसे इसमें का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, लेकिन पहले क्या हल करना पड़ेगा ब्रैकेट, तो 34 में से 6 चला गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 28, का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 4 × 7 = 28 7 × 3 = 21 यानी 37 में कितना जोड़ना पड़ेगा 21, तो ये 64 और 21 जैसे ही आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 8 × 58 काट दो भैया कितने से कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 से नहीं 2 से ही कटेगा, तो 2 से कट जाएगा 2 × 4 = 18 और ये आ जाएगा 32 × 64 29 × 29 9/29 यानी आंसर क्या आ जाएगा एक सही 9/29 वन होल नंबर 9/29 यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, कौन सा हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक ट्रायंगल आपको दिया गया, दिस इज अ ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ये जो आपको 8 मीटर दिया गया है इसके बाद यहां से हाइट डाली गई है और हाइट की लंबाई 3 मीटर दी गई, आपसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा, बहुत सरल है क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है भैया, जब भी आपको हाइट दी जाए
तो एरिया होता है 1 अपॉन 2 बेस इनटू हाइट, यानी आधार गुणे ऊंचाई और संगत ऊंचाई। आधार तो 8 है और संगत ऊंचाई कितनी है 3। 2 से काटो, 2 चौको 8, 4 तीया 12, बोलो क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है वह अधिकतम भाज्य संख्या जिससे 307 और 303, कह रहा 307 और 303, 307 और 330, तीन नहीं सॉरी 330 है को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 शेष बचे। ऐसे में हम क्या करेंगे, इसमें 3 और इसमें 7 माइनस कर देंगे, तो ये तो आ जाएगा आपका 304 और ये आ जाएगा 300 और 7 चलेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 323। अब क्या करते हैं, अपन काम निकालते हैं एचसीएफ, ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है अधिकतम भाज्य संख्या, तो अधिकतम भाज्य संख्या मतलब बी है टू फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ हमें निकालना पड़ेगा, सॉरी इसके लिए एलसीएफ, तो आ जाएगा 19, 16, 17 और 23, 19, 16, 17, 23। तो कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका इनका वैसे करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, अंतर निकालेंगे, तो 13 में से जैसे देखो 300 समान है, 23 में से 4 चला गया 19, तो संख्या या 19 होगी या 19 का गुणनखंड होगी। अरे 19 ही है, गुणनखंड होगी कहां से, तो क्या आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 7, बहुत मस्त सवाल है, कह रहा है एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में और सफल हुए और 85% छात्र गणित में, यानी इंग्लिश में जो पास्ट स्टूडेंट हैं वो आपके कितने हैं 90%, और जो सॉरी गलत हो गया ये इंग्लिश में नहीं है, हाँ सही सही, और जो मैथ में है, जो मैथ में पास्ट स्टूडेंट है वो कितने आपके हैं 85%, और कह रहा फेल कोई नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि या तो सबके सब पास हुए या तो नहीं पास ही हुए सबके सब। उसमें कह रहा है कि 150 छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हुए, तो कोई फेल नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ सब पास हुए। अगर आप जोड़ दोगे इसको तो 5, 8, 5, 8, 9, 17, अरे स्टूडेंट किसी स्कूल में 100% होते हैं स्टूडेंट की संख्या, 75 एक्स्ट्रा कहाँ आ गए, ये जो 75 एक्स्ट्रा हैं वो आपके दोनों में पास हुए, जैसे हम मैथ में भी पास हो गए और हम इंग्लिश में भी पास हो, तो हम दोनों तरफ जोड़ दिए गए, लेकिन हाँ तो हम एक ही व्यक्ति, इसका मतलब वही जो 75% है वो दोनों में पास है, और इस 75% की जो वैल्यू है जो दोनों में पास है वो कितना है 150, और कह रहा है तो ये तुम्हारा 75% का मान है और हमें कुल संख्या निकालना है, तो कुल संख्या निकालने के लिए हम क्या कर देंगे 75 दूनी 150 हो जाएगा और ये 100% से परसेंट कट गया तो ये कितना आ जाएगा 200। टोटल कुल संख्या कितनी होगी छात्रों की, तो कुल छात्र संख्या हो जाएगी आपकी 200। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आठवां क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है 8, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, आप खुद से प्रैक्टिस करो, इसको यहां लिखो क्वेश्चन नंबर 8 और अच्छे तरीके से देखना कि कह रहा है एक फैक्ट्री में 40% कर्मचारियों को की आयु 30 वर्ष या उससे अधिक, यानी अगर हम मान लें टोटल कुल कर्मचारियों की संख्या, कुल कर्मचारी मान लिए 100% है, या 100 ही मान लो, चलो 100x मान लो, ठीक है। अब इसमें से कह रहा है 40% 100x का 40% 40x, इनकी उम्र जो है 30 वर्ष या उससे कम है, अच्छा 30 वर्ष है या उससे कम है, बच जाएंगे वो सब 30 वर्ष से अधिक होंगे, तो कितने होंगे 100 में से 40 चला गया 60x जो आया है वो आपका 30 वर्ष से अधिक वाले है। अब कह रहा 30 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारियों में 25% महिलाएं, अगर महिलाएं 25% हैं तो इसका मतलब 25% इसका निकाल ले, हम आपको डिटेल बता रहे, 25% मतलब 1/4, 1/4 निकालोगे तो 15x महिलाएं हो जाएंगी,
तो पुरुष कितने हो जाएंगे मेरे भैया, पुरुष छोटी की मात्रा है, पुरुष कितना हो जाएगा 45 एक्स। अब क्या कह रहा है, यदि 1350 पुरुष कर्मचारी की आयु 30 वर्ष से अधिक है, यानी जो 1350 आपको दिया गया है ये 45 एक्स का मान दिया गया, तो कुल कर्मचारियों की संख्या पूछी गई है, यानी हमें 100 एक्स की संख्या पूछी गई है, काट दो 45 दिया होता है 30 आया तो 3000, तो कुल फैक्ट्री में कर्मचारियों की संख्या कितनी हो जाएगी 3000। ये आज का क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए जो संख्या हमने 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बताई है वो कम भी हो जाएगी लेकिन क्वेश्चन का लेवल तो मस्त होगा ना। तो देखिए लेवल आपको देखना है, वीडियो बड़ा ना हो जाए इस वजह से ऐसा हम कर रहे हैं। बताओ हम तो दो दो तीन तीन घंटे के वीडियो बना दे यदि आप सही से देखो, तो इस वजह से मजबूरी में हमें छोटे वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दूध एक पात्र में दूध की मात्रा 200 लीटर है, वेरी गुड, इसमें से 20% दूध निकाल लिया गया और उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है, यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई जाती है, मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात अंत में बताना। तो देखो एक फार्मूला होता है कि शेष मात्रा रिमेनिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू शेष मात्रा बराबर कुल मात्रा, पदार्थ की कुल मात्रा, जो भी पदार्थ है उसकी कुल मात्रा, वन माइनस निकाली गई मात्रा, एक वाल में निकाली गई मात्रा बटे कुल मात्रा इंटू पावर एन, एन मतलब कितनी बार निकाली गई। तो यहां पर लिख देंगे रिमेनिंग क्वांटिटी इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी, और तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए जो कैसे लगाएंगे, हाँ ये चीज देखना, यहाँ शेष मात्रा किसकी होगी, यहाँ शेष मात्रा उसकी होगी जो शुरुआत में है, मतलब दूध है तो दूध की, पानी है तो पानी, या शराब है तो शराब की, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि दूध की मात्रा 200 लीटर है, तो कुल मात्रा कितनी हो जाएगी 200, वन माइनस एक बार में 20 लीटर निकाला गया 20/200, और ये कह रहा ऐसा कितनी बार किया गया, कुल 3 बार, सॉल्व करेंगे ये शेष मात्रा दूध की आ जाएगी, तो 200 × 2 यह आ जाएगा 200 ढाइयां 1/10 यानी 9/10 ये तुम्हारा आ जाएगा अंत में दूध कितना होगा 0000। अब आप मल्टीप्लाई कर लो, देखो जब भी नीचे 10 काटना नहीं तो 9 × 81 = 729 और 729 दूनी तो 29 × 58 और देखो 7 × 14 तो 1458 में पॉइंट लगा देंगे, ये तुम्हारा अंत में क्या आ जाएगा, किसकी मात्रा आ जाएगी, अंत में दूध की मात्रा। तो अंत में दूध की मात्रा, तो अंत में पानी कितना बचा, क्योंकि जितना दूध निकाला जाता था उतना ही पानी डाला जाता था, तो शुरुआत में 200 लीटर मिश्रण था उसमें अगर 14.58 पानी दूध बचा तो पानी कितना आ जाएगा, आप माइनस करेंगे तो 0.2 9 में से 5 जाएगा 4 और 9 में से 4 जाएगा 5। तो तुमसे ये पूछा गया है कि किसका किसका अनुपात पूछा गया सर, इसमें पूछा गया है मिश्रण दूध और पानी का अनुपात, दूध रेशियो पानी, दूध अनुपात पानी, दूध कितना है 1.45.8 और पानी का अनुपात कितना दिया गया 5.42, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, अब इसको आप कैंसिल कर लोगे तो कैंसिल करने पर ऑप्शन देखते हैं क्या ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये 4 से नहीं कटेगा 2 से कटेगा, तो 2 × 4 तो 7 × 14 = 2 और 2 से काटेंगे ऐसा कोई है, हाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी है, कितना आ जाएगा 271। इसको पूरा काटना पड़ेगा क्योंकि इसमें नन ऑफ दीज भी है, 2 से इधर काटो 2 × 7 = 14 × 2 = 4 × 2 = 18 तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सर, ठीक है भाई, कैसा लग रहा है वीडियो, जरूर लाइक शेयर कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करो, सब्सक्राइब अगर आप अपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब करो, अगर आप दोस्तों में सेंड नहीं करोगे तो कोई जान नहीं पाएगा और कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था और क्वेश्चन नंबर 10 आज का रहा, 10
टेन ये कह रहा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, ठीक है, यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 500 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होते। अरे ब्याज तो होता 8%, 540 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता। तो कब प्राप्त होता? जब दर ज्यादा होती है। दर कितनी ज्यादा है? दर आपकी 2.5% 2.5% ज्यादा है, लेकिन ये 1 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। ये तुम्हारा आया, इसको सॉल्व करेंगे और तुमसे कह रहा है मूलधन बताओ, मूलधन हमेशा 100% होता है, या इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे कर लो यहाँ पर, चलो ये सही है, तो 5 हटाएंगे यहाँ से, 0 लगा देंगे, 25 ये तुम्हारा आ जाएगा, 25 × 50 कितना बचा? 40 हो गया, 25 × 25 5×30 15 25×6 150 और 3 से काटेंगे तो 3 से आ जाएगा 3×7 21 3×9 6 720 और 100% की वैल्यू निकालनी होती है तो 720 पर कितना लगाएगा? लग जाएगा 00। 00 का मतलब क्या हो जाएगा कि आंसर आपका आ जाएगा डी नंबर। समझ गए आप? कुछ नहीं कह रहा। देखो अगर आरटी बढ़ रहा है, अगर रेट और दर बढ़ रहा है, रेट बढ़ रही है तो उसी अनुपात में साधारण ब्याज भी बढ़ेगा। साधारण ब्याज कह रहा 540 बढ़ रहा, और तब बढ़ रहा जब रेट 5.25 बढ़ रही, तो बस इस तरह में लग जाएगा। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का प्यारा सा सुंदर सा बढ़िया सा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि पी पुरुष एमडीएच वाला फार्मूला लगेगा, M1D1H1/W1 और M2D2H2/W2। मतलब व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी, दिनों की संख्या होगी, घंटों की संख्या, कुल कार्य कितना होगा? तो व्यक्ति दिन घंटा छोड़ के जो भी आएगा वो सब आपका क्या हो जाएगा? कुल कार्य हो जाएगा। तो देखिए सर कैसे लगाते हैं इस क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, इसी क्वेश्चन को रखते हैं। तो ये कह रहा है पी पुरुष कितने दिन में, पी पुरुष पी घंटे प्रतिदिन काम करके पी दिनों में पी काम कर लेते, सब में पी पी तो यहां भी पी। अब कह रहा है कि एन पुरुष एन घंटे, एन पुरुष कितने घंटे? एन घंटे प्रतिदिन काम करके एन दिनों में कितने यूनिट काम करेंगे? कितने यूनिट मतलब हमने मान लिया एक्स यूनिट। अब x की वैल्यू निकाले तो p से ही p कट जाएगा, x इधर आ जाएगा तो इधर x आ जाएगा, ये n 3 बार मिला, 3 यार बिल्कुल बेकार, अपॉन में क्या आ जाएगा? p स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर और n क्यू अपॉन p स्क्वायर और n क्यू अपॉन p स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? d। कौन सा हो जाएगा? d। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखिए, कह रहा 1200 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्र, 3 वर्षों का नहीं, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो कैसे निकालेंगे? देखो दर 10% है, हमने आपको बहुत बताया ये, जब रेट वाला ये सीआई वाला चैप्टर पढ़ाया था, रेट 10% है तो 10% मतलब 1/10, 3 साल के लिए 10 10 3 बार कर लेंगे। अगर मूलधन 1000 रुपया है, 1000 है तो पहले वर्ष साधारण ब्याज 100, दूसरे वर्ष 100, तीसरे वर्ष 100। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? इस पर भी ब्याज, तो इस 100 रुपये पर ब्याज 1/10 करेंगे, कितना आएगा? 10 10 यहाँ होगा और 10, क्योंकि ये यहाँ यहाँ दो जगह देगा ब्याज। अब 100 का दर वही 10% है तो कितना ये ब्याज देगा? यहाँ 10 आएगा और ये ब्याज देगा यहाँ 1 आएगा। लेकिन आपसे क्या कह रहा है? तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो तीसरे वर्ष का होगा 10 20 21, 121 रुपया होगा। कब? जब मूलधन आपका 1000, लेकिन इसमें मूलधन कितना है? 12000/1000, किसका मान निकालना? 1 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 गुणा कर लेंगे, 12 × 12 12 × 24 25 और 12 × 12 1 25 हो गया, तो 12 × 12 2 14 कितना जाएगा? 1425। ये था आज का क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा प्यारा सा सुंदर सा बढ़िया सा अच्छा सा, ये लिखा है आपका A ratio B = C ratio D = E ratio F = 1 ratio 2। मतलब A1 है, B C1 है, E1 B2 है, D2 है, F2 है।
अनुपात में, अगर अनुपातिक वैल्यू पूछी जाए तब की बात है मेरे भैया। तो अनुपात की वैल्यू पूछी गई, इसमें कहा गया 3a + 5c + 7e / 3b + 5d + 7f का मान क्या होगा? ए सी ई एक ही मान है तो सबका एक एक है, तो 3 * 3 = 5 + 5 = 7 + 7 = 7 + 3 = 10 = 15 आ जाएगा। और नीचे सबके मान 2 बी 2 डी 2 एफ 2, तो 7 × 3 = 10 और 5 = 15 और 15 × 2 = 30 यानी 30 ना लिखियो मेरा भैया, काट देंगे इसको 1/2 और रेशियो आ जाएगा 1:2, ऑप्शन नंबर आ जाएगा प्यारा सा डी। दीदी तेरा चलो हम देखें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बहुत मस्त क्वेश्चन है ये कि एक विक्रेता प्रतिशत में उतनी ही छूट प्रदान करता, उतनी ही छूट देता है जितना अंकित मूल क्रय मूल से अधिक है। अच्छा, यदि 1% की हानि उठाता है तो क्रय मूल अंकित मूल से कितना परसेंट कम है? क्या सवाल कह रहा है, क्या मस्त सवाल कह रहा है कि क्रय मूल अंकित मूल से कितना परसेंट कम है, और यहां दे रहा है कि उतनी ही छूट देता है जितना अंकित मूल क्रय मूल से अधिक। चलो भैया, तो अगर अब इसमें देखो ऑप्शन क्या दे दिया गया, ऑप्शन है 10% / 11% / 9% / 1/11% और ऑप्शन आपका हो जाएगा 11%। तो देखते हैं इसको दिख रहा है, ओ माई गॉड व्हाट इज दिस, स्पष्ट नहीं दिख रहा है थोड़ा, अरे दिख जा भाई, चलिए अच्छा थोड़ा मेहनत कीजिए, ये स्पष्ट शायद नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा थोड़ी देर में दिखेगा, धोखा तो सभी देते हैं लेकिन कोई बात, चलो देखते हैं। हाँ, यहाँ पर ये कह रहा है कि अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक विक्रेता प्रतिशत में उतनी ही छूट दे प्रदान करता है जितना अंकित मूल क्रय मूल से अधिक। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम ऑप्शन नंबर 10 लेंगे, फर्स्ट लेंगे सॉरी 10% मानेंगे, 10% से आंसर आएगा तो बढ़िया है, तो 10 आराम से देखना, ये उत्तर अलग है लेकिन क्वेश्चन अलग है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने मान लिया कि ये तुम्हारा क्रय मूल दिस इज सीपी और ये आपका एसपी है, ये एमपी है, यहां पर एसपी है। अब कह रहा है हमने मान लिया कि अंकित मूल क्रय मूल से 10% ज्यादा, तो अगर ये 100 हो गया क्रय मूल तो अंकित मूल 10% ज्यादा मतलब कितना हो जाएगा मेरे भाई, 110। अब कह रहा है कि और उतनी ही छूट देता है जितना ज्यादा है, 10% ज्यादा है तो 10% छूट भी देता है, तो 10% छूट का मतलब 110 का आप 10% निकाल लेंगे छूट तो कितना आ जाएगा 90/100, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा विक्रय मूल 99। अब उसे कितने परसेंट का 1% की हानि होती है, तो वो दूर से दिखाई दे रहा, हाँ 1% की हानि होती, तो अब क्या कह रहा कि क्रय मूल अंकित मूल से कितना कम है, तो क्रय मूल इस अंकित मूल से कितना कम है, अंकित मूल 110 है तो क्रय मूल 110 कम है, कितने पर 110 × 100 निपटा दो तो 100 / 11 / 11 का मतलब आ जाएगा कौन सा, अगर इसे करेंगे 9 से ही 1/11%, क्योंकि 100 × 11 = 99 बिल्कुल 9 से ही 1/11 क्या हो जाएगा 11%। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे। तो देखिए सर, ओ भाई कहाँ चला गया, हाँ तो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, करते हैं। तुम सिवा कुछ -5 - 3 - 2 स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंड लार्ज ब्रैकेट,
अब देखो आंसर क्या आएगा, कितना सुंदर है सवाल, बोध मास का है सवाल, आप जानते होंगे बोध मास का है। तो बोध मास में सबसे पहले छोटा कोष्टक, पांच माइनस तीन में से दो, तीन दो क्या हो जाएगा पांच, पांच में से पांच गया खत्म, जीरो जीरो हो गया। अब देखो मेरे भैया, अगर जीरो हो गया, नौ में से जीरो घटाओगे तो नौ बाहर निकला ये सेम। अब ये छोटी छोटी जब भी वैल्यू है, ये देखो छोटी वैल्यू है आपकी कौन सी, एक बटे दो, ये भी एक बटे दो है, तो हम पॉइंट पांच कर लें, लो छोटी वैल्यू है तो पॉइंट कर लेंगे, नहीं वैल्यू है छोटी होल नंबर कर लेंगे। अब देखो क्या करेंगे, होल नंबर पे चल कर लेंगे, इसको देखो नौ आठ कितना आ जाएगा 17.5 और ये 12.5 घटाओ, पांच में से 17 में से पांच 12 जाएगा पांच, आंसर क्या आ जाएगा माइनस के पांच, क्या होगा सर माइनस के पांच। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सुंदरम क्वेश्चनम अस्ति, क्वेश्चन है कि यदि x प्लस वन अपॉन x इज इक्वल टू 6 है तो x की पावर 4 प्लस वन अपॉन x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, आपको क्या क्या होगा। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम पहले क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे। तो निकालो भैया, अगर आप जानते हैं थोड़ा बता दे कि x प्लस वन अपॉन x बराबर अगर a है तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के टू, सॉरी ए स्क्वायर माइनस के टू आ जाएगा, क्या जाएगा ए स्क्वायर माइनस के टू। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर माइनस टू, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो जो आया उसका स्क्वायर माइनस टू, तो हल करो। तो यहां से अगर डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 36 में से दो चला जाएगा कितना आ जाएगा 34 आया। अब हमें एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू निकाले तो हम क्या करेंगे 34 का स्क्वायर माइनस टू, 34 का स्क्वायर, तो 34 का स्क्वायर करो तो यह आ जाएगा 4 × 16 की 6 हासिल। अब देखो 4 × 12 × 24 = 25 की 5 हासिल 2 और 3 × 9 = 11 वैसे रट्टा मान लेना कि 34 का वर्ग कितना होता है 1156 तो रख देंगे डायरेक्ट आप 1156 और माइनस के 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1154। अब आप इसको इसकी वैल्यू रखो तो यह आ जाएगी 1154 और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखो तो 34 जोड़ दो, 4 × 4 कितना हो जाएगा 8, 5 × 3 कितना हो जाएगा 11, 5 × 3 हो जाएगा 8 और इसके बाद लिख लेंगे 11 तो क्या आ जाएगा 1188, क्या आंसर आ जाएगा 1188। ठीक है तो यहाँ इसके बाद 1188 आंसर आया है। यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो सही से देखा होगा, आपसे निवेदन है कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक।